वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्कारॉट के बारे में, जानेंगे पोल्कारॉट का हिस्ट्री, और इस वीडियो में मैं आपको अपने लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं, प्लस पोल्कारॉट का बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली पोल्कारॉट है क्या और इसका फंडामेंटल क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जनरल से ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप पोल्कारॉट को बाय करना चाहते हो तो उसके रीजन क्यों, फंडामेंटल देखते हुए क्या देखते हुए आप उसको बाय कर सकते हो। अभी डायरेक्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको अल्टकॉइन के रिलेटेड सिग्नल्स मिलते हैं और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट अपडेट के बारे में। तो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। अभी बैक टू टॉपिक करते हैं, पोल्कारॉट। हमने बहुत लोगों में नाम बहुत बार सुना है पोल्कारॉट का, इवन जो लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन है उन्होंने पोल्कारॉट को बाय भी किया है बॉटम के अंदर। अभी एग्जैक्टली जानते हैं पोल्कारॉट है क्या, ये कहां से निकल कर आया है और ये क्या करना चाहता है मार्केट पे। हम सभी को इथेरियम को तो पता है। अब आप बोलेंगे सर अभी आप पोल्कारॉट बोल रहे हो, अभी आप इथेरियम बोल रहे हो, क्योंकि पोल्कारॉट की कहानी इथेरियम से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि इथेरियम का जब इथेरियम जो बनाया था, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिसके अंदर इथेरियम के को फाउंडर थे, उनके साथ और भी तीन लोग थे, जिसके अंदर से एक पोल्कारॉट के फाउंडर थे और दूसरे आपके कार्डानो के फाउंडर है। तो इन सब लोगों ने मिलके इथेरियम को जनरेट किया था। बाद में उन्होंने ट्राई डिसाइड किया कि हम अपना अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। वहीं से स्टार्ट होता है पोल्कारॉट। पोल्कारॉट के जो फाउंडर है वो एक वक्त में इथेरियम के को फाउंडर रह चुके हैं। बेसिकली पोल्कारॉट के जो फाउंडर है उसका नाम है गेविन वुड। बड़ा नाम में एकदम लगता है बंदे के। और बेसिकली जो गेविन वुड है वो उनकी एक स्पेशलिटी है, वो बेसिकली अपनी स्पेशलिटी रखते हैं सॉलिडिटी क्रिप्टो लैंग्वेज के अंदर। इसी के बेस पर इन्होंने बेसिकली पोल्कारॉट वेब 3 बोलकर लॉन्च किया है। और गेविन वुड की अपनी एक कंपनी भी है जिसको पैरिटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, प्लस पोल्कारॉट बेसिकली एक क्रॉस चेन मल्टी नेटवर्क है। देखिए इथेरियम, बिटकॉइन या अदर जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर अभी तक ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई। जैसे कि हर एक का अपना अपना स्पेशलिटी होता है। अगर मैं सोलाना की बात करूँ तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे वर्क करता है, उसका TPS बहुत ज्यादा है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड बहुत हाई तरीके से वो रिजॉल्व करता है। उसी की तरह पोल्कारॉट बेसिकली एक क्रॉस चेन मल्टी चेन नेटवर्क है। और अगर मैं बात करूं तो बेसिकली पोल्कारॉट वर्क करता है प्रूफ ऑफ स्टैक पर। हम सभी सुन रहे हैं इथेरियम के बारे में, इथेरियम रिसेंटली 2.0 अपग्रेड कर रहे हैं और उसके अलावा कार्डानो भी कर रहा है। कार्डानो मेरे हिसाब से उसी के ऊपर वर्क करता है, बाकी इथेरियम अभी 2.0 पर स्टैकिंग के ऊपर मूवमेंट ले रहा है। तो पोल्कारॉट बाय डिफॉल्ट प्रूफ ऑफ स्टैक के ऊपर वर्क करता है और ऑलमोस्ट इसकी 62% सर्कुलेशन सप्लाई ऑलरेडी स्टैक हुई हुई है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा, मार्केट की जितनी भी सप्लाई है मेरे हिसाब से करंट वैल्यू के हिसाब से 1 बिलियन के करीब उनकी सप्लाई चल रही है, उसमें से 62% को उन्होंने स्टैक किया। एक चीज याद रखो, सप्लाई डिमांड का खेल होता है हर जगह, और जहां पर भी स्टैकिंग सबसे ज्यादा हो तो वहां पर चांसेस क्या है, वो इजीली उसको डिमांड क्रिएट करके मार्केट को अपसाइड में लेके जा सकते हैं, यानी प्राइस को अपसाइड में लेकर जा सकते हैं। पोल्कारॉट का बेसिकली नेटिव जो टोकन नेम है शॉर्ट की, वो बेसिकली डॉट है। बहुत से जो ट्रेडर है जो जानते हैं वो डॉट के नाम से जानते हैं जो शॉर्ट की उसके लिए वो यूज करते हैं। अगर हम पोल्कारॉट सेल की बात करें तो पोल्कारॉट फर्स्ट सेल जो स्टार्ट हुआ था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 27th of October 2017 के अंदर, जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट राइज किए थे 4,85,331 इथेरियम। जब उस वक्त की उनकी जो सप्लाई थी पोल्कारॉट की सर्कुलेशन सप्लाई, वो बेसिकली 10 मिलियन के करीब थी। इसके पीछे एक स्टोरी है जिसके बाद इनकी सप्लाई 1 बिलियन हो चुकी थी और उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ था। हम सभी ने वो स्टोरी सुनाई है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। पोल्कारॉट इस टाइम अपना फर्स्ट टोकन सेल जो फंड रेस किया था, उन्होंने पूरा जो पैसा था इथेरियम का, जो कि 4,85,331 इथेरियम उन्होंने रेस किए थे, उन्होंने उसको एक कोल्ड हार्डवेयर वैलेट में स्टोर किए थे और उनके ऑफिस में अचानक एक आग लग गई थी और उस आग के अंदर सारा इनका जो वैलेट एड्रेस था या जो भी वैलेट का डिटेल था कोल्ड वैलेट के साथ, वो सब कुछ जल के खाक हो गया। ये स्टोरी है, ये बहुत ज्यादा न्यूज पोर्टल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां पर जाकर उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अब ये तो हो चुका है, जितना पैसा उन्होंने रेस किया था पूरा का पूरा पैसा जल चुका था, खाक हो चुका, हवा में उड़ चुका था। अब नेक्स्ट क्या, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंडिंग उनको चाहिए थे। फिर उन्होंने दोबारा सेकेंड प्राइवेट सेल अनाउंस किया, जो कि जहां पर इन्होंने फिर वहां पर उन्होंने सेकेंड प्राइवेट सेल को अनाउंस किया, जहां पर इन्होंने तकरीबन 3,982.07 बिटकॉइन को रेस किया। ये बात है लगभग 27 जुलाई 2020 की। उस टाइम उनकी जो सप्लाई पहुंच चुकी थी वो 1 बिलियन के करीब।
यानी जो 10 मिलियन की सप्लाई थी उस टाइम 300 और समथिंग प्राइस था, लेकिन उसके बाद इनकी सप्लाई बेसिकली उन्होंने इंक्रीज कर दिया 1 बिलियन तक। इसका मेन रीजन था क्योंकि जो फंडिंग उन्होंने रेस किए थे वो पूरा पूरा उनको जो कंपनी में आग लग गई थी, तो सारा का सारा जो कोल्ड स्टोरेज का जो भी पेपर वर्क था वो पूरा वहां पर जल के खाक हो गया और उसको फिर वो रिकवर नहीं कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने फिर अच्छा खासा बिटकॉइन को रेज अप किया और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू वर्क करना स्टार्ट किया। अगर मैं पोलकोरॉट की बात करूं, जो स्टार्टिंग लिस्टिंग प्राइस था लगभग 2.82 का सबसे लोएस्ट प्राइस था और मार्केट ने हाईएस्ट प्राइस अभी के टाइम पे बनाया है 49.69 डॉलर के करीब। जहां पर अगर हम बात करें तो पोलकोरॉट प्राइस ने तकरीबन 1200% का मार्केट पंप किया है 2020 जुलाई से लेकर टिल नाउ तक। हम सभी को पता है लास्ट 8 ईयर्स मार्केट जो क्रिएट किया। अब अगर हम मेनली टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा यूनिक है, तो उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, जो लोगों ने इथेरियम को मिस किया है लोवेस्ट प्राइस के अंदर, जो लोग अगर चाहते हैं कि वे लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सके, तो मेरे हिसाब से पोलकोरॉट के अंदर वो बना सकते। अभी कितना कोई ज्यादा प्राइस नहीं, 25-30 डॉलर का प्राइस चल रहा है, मेरे हिसाब से लास्ट चेक किया था 28 डॉलर का प्राइस है अभी की डेट के हिसाब से। तो कुछ ना कुछ 4-5 पोलकोरॉट को आप बाय करके छोड़ दो एनुअल टाइम के अंदर, एनुअल डेकेड के लिए भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा हाई जा सकता है। अब अगर मेनली टेक्नोलॉजी की बात करें तो पोलकोरॉट डिपेंड है 4 मेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिले चेन, पैरा थ्रेड एंड ब्रिज। ये 4 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मैं समझूंगा पोलकोरॉट को बहुत ज्यादा अदर ब्लॉकचेन के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं रिले चेन की, तो ये एक सिक्योरिटी की तरह वर्क करती है पोलकोरॉट के अंदर। इसका काम है जितना भी सिक्योरिटी के लिहाज से जो भी वर्क रहेगा वो रिले चेन के अंदर काम रहेगा। पैराचेन की अगर हम बात करें तो पैराचेन बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो ब्लॉकचेन बेसिकली वर्क करता है पोलकोरॉट का। बट मेनली इसकी 4 मेन इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रिले चेन, जो कि एक तरीके से हार्ट ऑफ पोलकोरॉट कहा जाता है। रिलेशन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टोटल पोलकोरॉट ब्लॉकचेन सिस्टम को चलाने के लिए। सेकंड अगर हम बात करें पैराचेन, पैराचेन बेसिकली जो रिलेशन के कनेक्टिविटी को हेल्प करता है, मतलब जो रिलेशन आपको देखने को मिलेगा जो राउंड सर्कल है जिसके बाद टोटल ब्लॉकचेन कनेक्ट होता है, तो रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर पैराचेन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक तरीके से वर्क करता है अपने ओन टोकन पर, जहां पर इसका काम अपने ओन फंक्शनलिटी पर वर्क करना होता है। उसके बाद आता है पैरा थ्रेड्स, जो कि सिमिलर टू रिले चेन, जैसा रिले चेन का वर्क है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिकल ब्लॉकचेन मॉडल जहां पर आपको इजी टू कनेक्टिविटी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन रिले चेन है, यहाँ पर आपका पैरा चेन कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद उसको हम पैरा थ्रेड कनेक्ट करते हैं जिसके बेस पर आप मल्टीपल ब्रिज, यानी जो अदर आपका नेक्स्ट रहेगा जो ब्रिजिंग रहेगा, जहां पर मेन तरीके से आप अदर ब्लॉकचेन को ब्रिज कर सकते हैं बिटकॉइन के, सॉरी पोलकोरॉट की। मेनली अगर पोलकोरॉट की बात करें तो पोलकोरॉट की खासियत यही है कि यहाँ पर आप अदर टोकन्स, अदर ब्लॉकचेन्स को मिलकर ब्रिज बनाकर उनके साथ एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं और उनके साथ एक वर्क कर सकते हैं। तो मेनली पोलकोरॉट में यही एक खासियत है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। और अभी तो इसकी डिमांड उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुई है क्योंकि इनके अभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क चल रहा है। मुझे लगता है एनुअल टाइम के अंदर इट्स लाइक इथेरियम, इट्स लाइक कार्डानो, ये अपने तरीके से अपने स्पेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली बात, अगर आप अगर चीजों को देखेंगे, मेरे हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे कार्डानो को जिस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अच्छा से उसकी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा बूम देखने को हमको मिल रहा है, उसी के अंदर जब भी इनका और ज्यादा टेक्नोलॉजी पर इंप्रूवमेंट होगा, प्लस इनके साथ इनके ब्लॉकचेन के ऊपर जब अदर ब्लॉकचेन स्टार्ट करेंगे वर्क करना, जिस तरह इथेरियम के ऊपर अदर टोकन्स वर्क करते, जब इस उसी तरह जब यहाँ पर भी आपको मल्टीपल टोकन्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो मे बी फ्यूचर के अंदर इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, अब बात करेंगे पोलकोरॉट के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन एक चीज याद रखो, ये प्राइस प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, इट मे बी हिट, इट मे नॉट बी। तो यहाँ पर आप इस पे ये सोच के नहीं बैठना है कि ये टारगेट 100% कंफर्म तरीके से हिट करेंगे, लेकिन पर्सनली मेरा टारगेट है कि मैं अगर पार्शियल तरीके से सेल करूंगा तो इन टारगेट्स पे सेल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर जो प्राइस प्रेडिक्शन बेस किया हो ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से किया हो, और जो फर्स्ट टारगेट मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो कि बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, जो कि है $50 का, जो पिछला ऑल टाइम प्राइस है जो कि रिसेंटली मार्केट ने टेस्ट किया था $50 का, तो वो आपका फर्स्ट टारगेट आप डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट 1.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि तकरीबन बन रहा है आपका $133 के करीब, तो आप ये अपना अगला टारगेट डिटरमाइन कर सकते हो। और फाइनल टारगेट है आपका 2.618 फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल के करीब, जो कि आपका तकरीबन बनता है $640।
ये तीन मेरे पर्सनली टारगेट इस बुल रन के अंदर। मैं अगर सेल करना चाहूंगा तो इन तीन टारगेट पे पार्शियल तरीके से सेल करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉटम पे इसको बाय किया हुआ है, $8 पे हमने इसको ग्रैब किया है। और मेनली मैं चाहूंगा कि हम इस कॉइन को अगर सेल करना है तो मैं इन तीन टारगेट पे पार्शियली तरीके से, यानी $50 हिट होगा तो मैं समथिंग 20-30% कॉइन सेल करूंगा, मार्केट 133 हिट करेगा तो देन 30-40% सेल करूंगा, और जब मार्केट 640 करेगा तो मैं सारे के सारे पुलकर आउट को सेल करूंगा। अभी जरूरी नहीं कि मैं अगर सेल करूं तो आप इसको सेल करो, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होल्डर हो, आप अगर सोचते हो कि मैं 4-5 साल तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो गाइस उम्मीद करूं आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है, वीडियो समझ आई है तो भाई लाइक कर लो, अगर आप इस टाइप के वीडियो चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट में कौन से टॉपिक यानी कौन से कॉइन के ऊपर ओवरव्यू आपको दूं, जिसके अंदर आपको मैं प्राइस प्रेडिक्शन के साथ उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी दे सकूं। सो गाइस फिलहाल वक्त में वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।